गलवान घाटी में जब जून 2020 में चाइना और भारत के बीच टकराव हुआ था, तभी से प्रधानमंत्री मोदी को यह समझ आ गया था कि भारत का दुश्मन नंबर वन चाइना है। यही कारण है कि चाइना और पाकिस्तान का ही नहीं बल्कि रसिया समेत तमाम सुपर पावर जो बनने की कोशिश कर रहे हैं, अब उनका खेल लगभग ख़त्म होने वाला है। बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, भारतीय रक्षा मंत्रालय भारतीय सैनिकों के साथ साथ HAL कंपनी और DRDO ऐसा उन्नत फाइटर जेट पांचवी पीढ़ी का डेवलपमेंट करने में तेजी लाई है, जिसके बाद आने वाले 2-2.5-3-4 सालों में भारत सुपर पावर की श्रेणी में टॉप पर होगा। अपने ही हथियारों, अपने स्वदेशी निर्मित हथियारों की वजह से भारत ऐसी जगह पहुँचेगा जहाँ पर चाइना रसिया को काफ़ी पीछे छोड़ देगा। ऐसा हम इसलिए क्यों कह रहे हैं, इस बात को हम आपको बता दें, एमका नाम का जो ये खतरनाक पांचवी पीढ़ी का लड़ाकू विमान होगा वो रूस और चाइना के फाइटर जेट को पलक झपकते तबाह कर देगा। बड़ी अपडेट आपको बता दें, AMCA के बारे में हम बात कर रहे हैं, एमका फाइटर जेट जो कि पांचवी पीढ़ी का उन्नत फाइटर जेट है और इसकी तैयारी चल रही है 2028 तक लाने की। लेकिन जिस तरीके से चाइना के साथ टकराहट पड़ी है उसके बाद से माना जा रहा है कि मोदी सरकार 2020 में ही इसकी फंडिंग में तेजी लाई है और इसके निर्माण में न केवल तेजी लाई है बल्कि बड़े पैमाने पर टेस्टिंग के साथ इसमें पैसे भी दिए जा रहे हैं। आपको बता दें कि एमका पाँचवीं पीढ़ी का उन्नत फाइटर जेट है, HAL द्वारा इसे डेवलप किया जा रहा है, DRDO भी इसमें लगा है, 2028 तक आने की तैयारी है। आखिर ये कैसे रसिया और चाइना के फाइटर जेटों को मात देंगे? हालांकि आपको बता दें, यहाँ अमेरिका को फिर भी मात नहीं दे पाएगा एमका। लेकिन उसके बावजूद रसिया और चाइना, सबसे बड़ी टेंशन अगर भारत के लिए है एशिया में तो वो है चाइना। इस बात को भारत भी अच्छी तरीके से जानता है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन और पाकिस्तान का थोड़ा थोड़ा नहीं परमानेंट इलाज करने की तैयारी कर रही है। और परमानेंट इलाज के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि स्वयं को ताकतवर बनाया जाए। स्वयं को ताकतवर भारत इसलिए नहीं बनाना चाहता कि दूसरों पर अटैक करेगा, इसलिए कि वो खुद में डिफेंसात्मक है और खुद ही वो रक्षात्मक रहे और डिफेंसिव मोड में भारत रहे। यही कारण है कि आपको बता दें कि ये एमका का डेवलप जो कि पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमान है एमका, ये जल्द ही 2.5-3-4 सालों में भारत की कंपनियां इसे HAL कंपनी, DRDO, इसरो समेत तमाम DRDO तेज़ी के साथ इस पे काम कर रहा है। रक्षा मंत्रालय साथ साथ सरकार भी इस पे तेज़ी के साथ फंडिंग कर रही है। हालांकि आपको बता दें, इसमें सबसे बड़ी बात यह है, इसमें अमेरिका के खतरनाक फाइटर जेट की बात करें तो बोइंग 7 या फिर F-22 तेजी इससे कहीं ज़्यादा तेज़ी के साथ एमका फाइटर जेट काम करता है। इसकी आपको बता दें, अगर एमका की बात करें तो ये कहीं ना कहीं भारत का प्रयास दुनिया के चुनिंदा देशों में शामिल होना है जिनके पास पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमान हैं। भारत ने एयरो इंडिया 2013 में इस पांचवी पीढ़ी के विमान का निर्माण करने के लिए रूस के साथ साझेदारी की थी। ये एमका एक ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट होगा जिसका आकार हीरे के आकार का होगा, जिसमें निहित स्टीलर फीचर्स होंगे और ये 2028 तक आने की तैयारी कर रहा है। हालांकि आपको बता दें कि इसमें जो सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरीके से ये एक पायलट होंगे और एक ड्राइविंग वाली सीट होगी, और जैसे ही एक पायलट के सोचने के हिसाब से ये फाइटर जेट वार करेगा। अगर उसने सोचा कि ये वाला टारगेट सिस्टम ध्वस्त करना है, सोच के हिसाब से चलने वाले फाइटर जेट होंगे जो कि अपने आप में काफ़ी खतरनाक होंगे। पलक झपकते ही अपने टारगेट को तबाह करने में माहिर है ये पांचवी पीढ़ी का एमका फाइटर जेट, जिसके काम को तेज़ी देने के लिए अभी हाल ही में खबर निकल के आई थी कि एमका को लेकर भारत सरकार ने बड़े पैमाने पर फंडिंग की। दरअसल यहाँ छोटी छोटी चीज़ें अगर भारत में बात करें तो लोग पेट्रोल को लेकर रोने लगते हैं, महंगाई को लेकर छोटी छोटी चीज़ें देखने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर मोदी सरकार इन्हीं सब पैसों को बचा कर एक तरीके से रक्षा हथियारों में बड़े पैमाने पर रक्षा के मामले में इन्वेस्टमेंट कर रही है। न केवल रक्षा के क्षेत्र में भारत सुपर पावर बनेगा इसके आने वाले कुछ समय में, बल्कि कोरोना काल में अगर हाल फिलहाल में देखा जाए, जिस तरीके से वैक्सीनेशन
कल ही अभी 1 करोड़ के करीब लोगों को वैक्सीनेट फ्री में किया गया है। अब आप समझिए कि कितने बड़े पैमाने पर उसमें पैसा लगा होगा। लोगों को वैक्सीनेट करना, लोगों को मुफ्त में राशन देना, इसके साथ साथ रक्षा में बड़े पैमानों पर रक्षा डील के साथ उसमें भी पैसे लगाना, ये यही कारण है कि अभी देश का जो रक्षा तंत्र धीरे धीरे मजबूत हो रहा है। लेकिन कुछ लोग इसे हवा हवाई समझते हैं। अब हम आपको बता देते हैं कि आखिर जब ये एम का बन जाएगा तो इसके आगे पीछे कैसे चीन, रसिया समेत तमाम वो देश हवा हवाई हो जाएंगे। अब आपको बता दें कि दुनिया ने 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू तेजस की जो गर्जना है वो हम आपको बता दें कि कितनी खतरनाक है और किनके पास कितनी खतरनाक मिसाइल है, और भारत जब ये एम का मिसाइल बना लेगा आने वाले 2-3-4 सालों में तो फिर कितने खतरनाक हो जाएंगे भारत हथियार सिस्टम। दरअसल आपको बता दें कि एयरफोर्स को मेक इन इंडिया पर भरोसा है और यही कारण है कि मेक इन इंडिया के साथ ही तेज़ी के साथ विमानों की बात हो रही है। अगर दुनिया के सबसे खतरनाक लड़ाकू विमान की अगर वर्तमान बात करें तो F-22 Raptor है। अमेरिका का यह विमान पकड़ से बाहर है, किसी रडार या एयरक्राफ्ट को लोकेशन नहीं देता है किसी भी तरीके की, और यही कारण है कि एयरक्राफ्ट को लोकेशन न देने की वजह से ये अपने निशाने को तेज़ी के साथ हिट करता है। ये अमेरिका का F-22 है। इसके साथ चीन का चेंगदू J-20। दरअसल चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी का यह अचूक अस्त्र है। लेज़र गाइडेड बम के साथ सैटेलाइट बम ले जाने की क्षमता, 45,000 फीट पर उड़ने की भी क्षमता है। इसके साथ ही तीसरे सुखोई है अपना भारत और रूप भारत और रूस के प्रयास से निर्मित विमान भारतीय वायुसेना की ताकत है और ये दुनिया के सबसे उन्नत स्टील्थ तकनीकी वाला विमान है। 2100 किलोमीटर की प्रति घंटा की स्पीड से दुश्मन पर ये वार करता है। जी हाँ, 2100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ। चौथा है लॉकहीड मार्टिन F-35। अमेरिकी विमान सुपर एडवांस्ड कंप्यूटरों की मदद से ऑपरेट किया जाता है और ये रडार को चकमा देने में सक्षम है। ये ध्वनि की चाल से 1.5 गुना तेज़ी के साथ चलता है। इसके साथ ही Mitsubishi X-22 पाँचवीं पीढ़ी के इस विमान को जापान तैयार कर रहा है। इसकी गति 2500 किलोमीटर मानी जा रही है जो सबसे अधिक होगी। 50,000 फीट की ऊंचाई तक जाने में भी ये सक्षम है। तो आप समझिए ये भी लगभग रडार से बाहर ही है, तो ये जापान का है। इसके साथ ही टाइफून यूरो फाइटर टाइफून है, यूरोप की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका के F-22 से मुकाबला कर सकता है। लेकिन आपको बता दें कि अमेरिका का F-22 हो या फिर कोई भी हो, जो एम का फाइटर जेट आने वाला है ये पलक झपकते ही ना इसको रडार के सिस्टम में आएगी ना ही किसी के सिस्टम में, ये बस केवल और केवल दिमाग से चलेगा। दिमाग वहाँ पे बैठा पायलट अगर सोचेगा कि इस सिस्टम को हिट करना है या फिर इस लोकेशन को हिट करना है, तत्काल प्रभाव से वो उस सिस्टम को हिट कर देगा। एम का इतना एडवांस है, आने वाले समय में 4 से 5, 6 से 6 सालों में ये तेज़ी के साथ बन जाएगा। अगर रसिया और चाइना इस तरीके के फाइटर जेट डेवलप करने की जो कोशिश कर रहे हैं उनका भी आने वाले 2040 तक का प्रोजेक्ट है, तब तक भारत इसका एम का प्रोजेक्ट 2 भी लाएगा और जिससे और एडवांस सिस्टम हो जाएगा। तो आने वाले समय में राज सुपर पावर की बात करें तो भारत ही होगा। बड़ी खबरों में इतना ही दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। जय